भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और लव लीगल रितु सिंह की जोड़ी को भोजपुरिया दर्शक बहुत पसंद करते हैं। उनके पसंद करने का आलम यह है कि इन दोनों का गाना जब भी किसी फिल्म में साथ आता है वो सुपरहिट हो जाता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मेहंदी लगा के रखना को रिलीज हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन फेयर एंड लवली वाला गाना आज भी दर्शकों के जुबान पे चढ़ा है। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव और रितु सिंह हर साल उनकी कोई ना कोई एक ऐसी फिल्म आती है खेसारी लाल की, जिसमें रितु सिंह के साथ उनका एक गाना होता है और वो गाना उस साल का टॉप मोस्ट सुने जाने वाले गानों में से एक हो जाता है। और इस साल भी यानी कि 2019 में भी उन दोनों का एक गाना आया है। फिल्म का नाम है बागी और गाने का नाम है जवानी में घुन लग जाए। ये गाना लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि एक वीक में इसे 90 लाख लोगों ने सुना है। जी हाँ, आपने सही सुना है, इसे 90 लाख लोगों ने सुना है। बागी के इस गाने को सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा सुना जा रहा है। रितु के बारे में कहा जाता है कि रितु बहुत ही प्रोफेशनल है और अपने काम को लेकर कुछ ज़्यादा ही संजीदा है। रितु ने पवन खेसारी निरहुआ तीनों के साथ काम किया है, लेकिन उन्हें खेसारी लाल यादव के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनका कहना है कि खेसारी हमेशा सेट का माहौल एकदम लाइट बना कर रखते हैं और अपने हर एक को स्टार की रिस्पेक्ट करना उन्हें बखूबी आता है। साथ ही साथ इन दोनों को आप मेहंदी लगा के रखना 3 में भी साथ देखेंगे। जी हाँ, जिसकी शूटिंग पिछले दिनों मुंबई में चल रही थी। वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में रितु सिंह की बेस्ट फ्रेंड पूनम दुबे हैं। ये दोनों बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि रितु सिंह बाकी हेगड़े की बहुत बड़ी फैन है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।